हेलो स्टूडेंट्स, बाय द वे मैं जितेश पारसर फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से, और आप जानते हैं आपका चहिता चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट, जिसका मतलब है रामबाण। बच्चे, किसी कारणवश हम नहीं डाल पाए वीडियो, आपको पता है, और मैं आज आपसे वीडियो डालने से पहले कुछ दो रिक्वेस्ट करूंगा, पर दो बातों के बारे में समझाऊंगा। पहली बात तो ये, आप अपने घर पे हैं, सुरक्षित रहें, इस कोरोना वायरस से बचकर रहें, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात जो इसी के साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि आप इस कोरोना वायरस की जो छुट्टियां पड़ी हुई हैं, आप घर पे बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, उसका सदुपयोग करो, क्योंकि आप अपने मिशन को नहीं भूलने चाहिए। यही वो टाइम है जो तुम्हें मिला है, आप ऑनलाइन वीडियोस देख के आप अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हो, और इसी वजह से मैं वीडियोज अब कंटिन्यू लगातार डेली डेली वीडियो आएगी आपके पास। ये टाइम है यूज करने से, मिशन मत भूलना, ये कोरोना वायरस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलते हैं बच्चे, देखिए अगर आपको याद हो तो पहली वीडियो जिसमें इंट्रोडक्शन था, दूसरी वीडियो में आपको बताया था डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशंस आपने कैलकुलेट करी, उसके बाद मैंने आपको बताए जितने भी डायमेंशंस से रिलेटेड पार्ट था वो सब बताया था, और आपने कौन सा मीटर एसआई यूनिट सिस्टम वाला बताया था, और आपको उसका असाइनमेंट मैंने टेलीग्राम पे डाला। क्लियर है? आपने क्वेश्चन करके देखे होंगे और क्वेश्चन बने भी होंगे आपसे। आज जो थर्ड पार्ट है इसका, इसमें दो पार्ट और बचे हैं बच्चे। एक तो मीटरों के बारे में, ऑडियोमीटर क्या आता है, हाइग्रोमीटर क्या है, पायरोमीटर क्या है, जितने भी मीटर हैं वो सारे मीटरों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर तुम्हें देखने को मिलता है। ऐसे ही साइंटिस्टों के बारे में एक वीडियो रह गई है, उसके बाद बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। इलेवेंथ का पार्ट लूंगा सबसे पहले, फिर ट्वेल्थ लूंगा। क्लियर है जी? अब देखिए बच्चे, इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं, बच्चे एक साथ मीटर लिख दिए हमने, क्वेश्चन जरूर आता है यहां से, एक क्वेश्चन जरूर आता है। आप चाहोगे अगर एक दिन में सिर्फ ए के बारे में पढ़ोगे ना तो भी बहुत कुछ है, सिर्फ अगले दिन बी के बारे में पढ़ना। देखिए जी, अगला है, सबसे पहला वर्ड है एक्यूमुलेटर। क्या बच्चे? मेरे साथ साथ बोलना आपको, क्या है एक्यूमुलेटर? एक्यूमुलेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्टोर करता है किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है उसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटर। एल्टीमीटर, अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था ना नेवी वाला, उसमें पूछा था एल्टीमीटर। एल्टीमीटर एल्टीट्यूड से आया है, हाइट से आता है, जो ऊंचाई को नापता है एल्टीट्यूड या एल्टीमीटर के नाम से बोलते हैं। एरोमीटर, एरोमीटर क्या होता है? ये डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस, ये गैस के घनत्व को नापता है। अगला बच्चे एस्ट्रोमीटर, एस्ट्रोमीटर क्या होता है? ये इंटेंसिटी ऑफ सनरेज, कि सन से जो किरणें आ रही है ना उनकी तीव्रता कितनी है, उस इंटेंसिटी ऑफ सनरेज को जो मेजरमेंट करता है उसे क्या बोलते हैं हम? एस्ट्रोनोमीटर। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, ये जितने भी मैंने मीटर लिख रखे हैं, अभी आज ही थोड़ी देर में वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद टेलीग्राम चैनल पे, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो बच्चा नहीं जुड़ा है वो फिजिक्स वाई जितेश पारासर टेलीग्राम चैनल पे जाए और उसे ज्वाइन कर ले। वैसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, उसे ज्वाइन करके जितना भी ये है ये पीडीएफ में मिलेगा आपको, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक है बच्चे, जो वीडियो डाउनलोड तुरंत उसके बाद नोट्स डाले जाएंगे, कनेक्टिविटी बनाए रखना। अगला होता है एक्सेलेरोमीटर। क्या होता है बच्चे? ये वर्ड एक्सेलरेशन से आया है, जानते हो ना एक्सेलरेशन, जिसे त्वरण कहते हैं, त्वरण। एक्सेलरेशन को जो मेजरमेंट करता है उसे एक्सेलेरोमीटर कहते हैं। अगला है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एक ऐसा होता है, ये हवा की कितनी पावर है, वायु की जो, एयर की जो पावर है, एयर की शक्ति है, उसे एनीमोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। और एक होता है एमीटर। क्या होता है बच्चे? एमीटर। एमीटर क्या मेजरमेंट करता है? एमीटर मेजरमेंट करता है करंट को, ये करंट को मेजरमेंट करने का काम आता है। अगला है एपिस्कोप। क्या है? एपिस्कोप। जिंदगी में एक बात याद रखना, जब भी कभी स्कोप वर्ड आ जाए, क्या जाए? स्कोप। तो स्कोप का मतलब होता है देखना। बताओ माइक्रोस्कोप देखने दिखाने के काम आता है ना, स्कोप। टेलीस्कोप देखने के काम। ऐसे ही आ गया बच्चे वर्ड, क्या आया था? ये एपिस्कोप। एपिस्कोप क्या होता है? ये पिक्चर और स्क्रीन को जो देखने के काम आता है उसे हम एपिस्कोप कहते हैं। अगला है नेक्स्ट ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर आप जानते हो, ऑडियो से आया, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता को जो नापता है उसे ऑडियोमीटर कहते हैं। अगला एरियोस्कोप। अच्छा स्कोप आ गया ना, स्कोप का मतलब क्या होता है? देखना। और ये वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है कान से, कान के आंतरिक भाग को, इंटरनल पार्ट को जो देखने का काम आता है उसे हम एरियोस्कोप कहते हैं। अगला है एनीमोमीटर।
एनियोमीटर, एनियोमीटर क्या होता है, ये एल्कोहल में कितनी, एल्कोहल में कितनी वाइन है, कितनी मिलावट है, एल्कोहल में कितनी वाइन है, उसको जो मेजरमेंट करता है उसे हम एनियोमीटर कहते हैं। अगला है एस्पिरेटर। एस्पिरेटर क्या करता है बच्चे, ये एक तरह से काम करता है, कोई बॉडी है, कोई बॉडी कैविटी है, उस कैविटी की बॉडी के अंदर से लिक्विड को लेने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, लिक्विड को रिमूव करता है, उसका नाम है एस्पिरेटर। एस्पिरेटर एक ही वर्ड क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड बी, बी का मतलब बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है बच्चे, प्रेशर को मेजरमेंट करता है। बार वर्ड आ गया, बार क्या करता है, दाब को, प्रेशर को मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट बैरोग्राफ, ये भी बैरो आ गया, और ग्राफ वर्ड कभी कहीं आ जाए तो उसका मतलब है चेंजिंग के बारे में, ये भी प्रेशर से रिलेटेड है, क्लियर है। एटमोस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसमें क्या करता है, चेंज को। बैरोग्राफ किसे मेजरमेंट करेगा, वायुमंडल के दाब के चेंज को, बदलाव को, परिवर्तन को। बाइनोगुलर्स, बाइनोगुलर्स बोलते हैं दूरबीन को, बाई मतलब दो, दो तरह से देखने के काम आती है, बाइनोगुलर्स इन्हें बोलते हैं दूरबीन। बोलोमीटर, ये बोलोमीटर क्या करता है, बोलो का मतलब होता है बच्चे हीट से, हीट के बारे में जो इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं बोलोमीटर, ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा तापी भी इसे बोलते हैं। वर्नियर कैलिपर, याद है जब तुम इलेवंथ में पहली बार आए थे तो वर्नियर कैलिपर पढ़ा था, जो ऐसे करके लगाते थे, ये किसी गोलीय सरफेस, स्फेरिकल सरफेस के डायमीटर, व्यास को मेजरमेंट करता है, ये होता है वर्नियर कैलिपर। बाथोमीटर, ये बाथोमीटर क्या करता है बच्चे, ये पानी, समुद्र के अंदर कितना पानी है, उसकी पानी को, पानी के मेजरमेंट करने के लिए बाथोमीटर, बाथरूम से याद रखना, बाथरूम में पानी होता है ना, तो पानी मेजरमेंट करता है, किसमें, पानी कितने गहरे तक पानी है। बैकमैन, ये थर्मोमीटर, ये जस्ट लाइक अ टेम्परेचर होता है, ये साइंटिस्ट कहां है बच्चे, ठीक है। अगला सी से है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या होता है, जो पेट्रोल इंजन के अंदर होता है वो कार्बोरेटर होता है। अगर आप कहीं जा रहे हो बस में, ट्रेन में, अगर आप सुनते रहो ना इन मीटरों को, दो बार वीडियो को सुन लेना, अपने आप सारे मीटरों को याद हो जाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूंगा बाथोमीटर क्या होता है, आप बता दोगे, क्लियर। मैंने पूछा एपिस्कोप, ओहो स्कोप का मतलब सर ने बताया था, देखने में काम आता है, ऐसे ही कार्बोरेटर हो गया। उसके बाद कैलोरीमीटर, कैलोरी किसकी होती है, ऊष्मा की होती है ना, हीट की होती है ना, एक कैलोरीमीटर काम आता है। क्रोन, क्रोनोमीटर, बच्चे याद रखना, क्रोन वर्ड कभी भी कहीं आ जाए तो इसका मतलब होता है टाइम से, किससे होता है, टाइम से। क्रोन वर्ड कभी कहीं आ जाए तो टाइम से होता है, और क्रोम में यहां एन है ना, और एम आ जाए तो वो कलर से होता है, यहां लिखा क्रोन, और क्रोम कलर से होता है, तो क्रोन मतलब। ये क्रोनोमीटर क्या होता है, ये जहाज के अंदर लगा होता है, जो जहाज के अंदर सटीक टाइम दिखाता है वो क्रोनोमीटर होता है। अगला कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या है, ये कम्यूटेटर ये करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है, करंट की जो दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा को चेंज करता है, वो कम्यूटेटर से किया जाता है, क्लियर है। कंपास बॉक्स, वो कंपास बॉक्स वो ही है जिसमें नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, मैग्नेटिक डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है। क्रायोमीटर, क्रायोमीटर क्या करता है, जो जीरो डिग्री होती है ना उसके आसपास का जो छोटा सा टेम्परेचर होता है, जो थोड़ा सा टेम्परेचर होता है, निम्न टेम्परेचर होता है जीरो डिग्री के आसपास, उससे हम बच्चे किससे मेजरमेंट करते हैं, क्रायोमीटर से करते हैं, ठीक है जी। कैलकुलेटर क्या है, कैलकुलेटर वो है सर जो मैथमेटिकली काम आता है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर मैथमेटिकल प्लस एनालिटिकल ट्रीटमेंट दोनों में काम आता है। साइक्लोट्रॉन क्या बच्चे, साइक्लोट्रॉन एक बात बता देता हूं आपको, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए बच्चे एक वर्ड होता है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है कोई चीज की वेलोसिटी बढ़ा देना। मान चलो मैं ऐसे चल, एक बच्चा यहां से ऐसे ऐसे जा रहा है, मैंने उसको यहां से पकड़ा, ऐसे पकड़ के उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, तो तुम कहोगे वो सर एक्सेलरेट करना, कोई दौड़ रहा है तुम उसे पीछे से और सपोर्ट कर रहे हो, तो वो एक्सेलरेट करने का काम आता है, त्वरण करने का काम आता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन थी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, धनात्मक को एक्सेलरेट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, उसी का नाम, जो डिवाइस जो बना उसका नाम था साइक्लोट्रॉन। पढ़ा था ना 12th क्लास में, साइक्लिक मतलब गोल गोल घूमता है कौन, प्रोटॉन, तभी तो इसका नाम है साइक्लोट्रॉन, बात समझ आई, ठीक है। उसके बाद साइटोट्रॉन, साइटोट्रॉन क्या होता है बच्चे, आर्टिफिशियल जो मौसम विभाग होता है ना, आर्टिफिशियली मौसम बनाने के लिए उसे हम
साइटोट्रोन कहते हैं। और स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा वर्ड तो था वो था कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ क्या होता है? जो ये हार्ट की मूवमेंट बताता है, दिल की स्थिति बताता है, दिल की मूवमेंट्स को बताता रहता है। अच्छा अगला होता है कैथोमीटर। यह क्या होता है? दो जैसे ट्यूब हैं, देखो ये वर्टिकल है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, दो वर्टिकल ट्यूब हैं और उनमें अगर लिक्विड भरा हुआ तो उनके डिस्टेंस को बताता है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। सिनेमेटोग्राफी, अच्छा सिनेमा वर्ड से आया ना, सिनेमा वर्ड से आया सिनेमेटोग्राफी, मतलब इसका ये है कि जो स्क्रीन को दिखाता है वो सिनेमा से रिलेटेड है। उसके बाद आता है बच्चे क्लिनोमीटर का। क्लिनोमीटर क्या होता है? ये कोई भी एंगल होता है, इंक्लाइन एंगल होता है, उसको मेजरमेंट करने का काम आता है, थीटा एंगल को। क्लोरीमीटर, क्लोरीमीटर आप जानते हो सर, ये कलर वर्ड से क्रोन, एक बताया था ना क्रोम वर्ड भी कलर होता है, क्लोरीमीटर कलर से आया। क्लोरीमीटर क्या होता है? इसमें मेजरमेंट करते हैं कलोरीमीटर में, कलर कलर वर्ड से है, ये दो कलर की इंटेंसिटी के बीच में अंतर बताता है कि किस में ज्यादा चमक है, भाई रेड और येलो में से किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, उसको ये इंडिकेट करेगा। अगला बच्चे आपका यहां से साइक्लोमीटर। साइक्लो, साइक्लो वर्ड क्या है? साइकिल, गोल साइकिल में जो चलता है, साइकिल का पहिया गोल गोल, तो उसको जो गोल गोल जो राउंड करता है, कितने राउंड हुए व्हील की किसी घूमने वाले की साइकिल फॉर्म है, उसे साइक्लोमीटर कहते हैं। पता है जब बड़ी कोई बहुत सारी मशीन होती है, जैसे लेथ मशीन होती है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, तो वहां राउंड होते हैं, तो वहां होता आरपीएम, कितने राउंड पर मिनट, तो वहां ये चीज देखी जाती है कि एक पहिया कितनी देर घूमा है, कितने राउंड लगे। उसके बाद कॉस्मोलॉजी, बच्चे जो कॉस्मो जो वर्ड होता है, कॉस्मोस या कॉस्मो जो वर्ड होता है वो ब्रह्मांड से रिलेटेड होता है, ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करना, आया वो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में, ठीक है जी। अगला वर्ड है डीसी। डी में आता है डायनेमो। डायनेमो का मतलब क्या है? जनरेटर, आप जानते हो, डायनेमो कहो या जनरेटर कहो, बच्चे बात एक ही होती है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन होता है जनरेटर क्या करता है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, याद रखना ये बात, जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा ना वर्क एनर्जी पावर 11th वाला पार्ट, उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा ये बात, क्लियर। ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल में। और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये यांत्रिकी को विद्युत में बदलता है, कौन? डायनेमो। डायनेमो मतलब जनरेटर, लेकिन किंतु परंतु इंतु इसका जो उल्टा काम करता है, इलेक्ट्रिकल को विद्युत को अगर यांत्रिकी में बदल दे, उसका नाम है मोटर, जो ये है इलेक्ट्रिक मोटर, क्लियर है जी। डायनिक सेल, सेल किस में इस्तेमाल किया जाता है? ये डीसी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, आप जानते हो ना, एक होता है डीसी और एक होता है एसी, डीसी में इस्तेमाल कर दिया जाता है। डेंसिटियोमीटर क्या होता है? ये डेंसिटी को मेजरमेंट करता है, बच्चे घनत्व को। उसके बाद डिक्टाफोन क्या करता है? आप बातचीत रिकॉर्ड करते हैं ना, किसी की बातचीत रिकॉर्ड करनी है, या कोई भी इंक्वायरी कमीशन कहीं जाता है, किसी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वहां उनकी रिकॉर्डिंग करी जाती है, कहीं जाकर के वो अदालत में अपने बयान चेंज ना कर दे, तो वो ये डाइकोफोन्स होते हैं, इन्हीं से बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता है। अगला कहता बच्चे डेंसीमीटर क्या होता है? ये भी डेंसिटी से रिलेटेड है, जो डेंसिटी घनत्व को मेजरमेंट करता है। डेंसिटोमीटर क्या होता है? ये ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशित तंतु जो होती है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजरमेंट करता है। दोनों में अंतर है, डेंसिटीओ, यहां ध्यान देना बच्चे, डेंसीमीटर डेंसिटी को, ये डेंसिटोमीटर ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजरमेंट करता है। उसके बाद डायरेक्ट्रोमीटर, ये क्या करता है? ये किसी के वॉल्यूम में, आयतन में जब बढ़ावा आ जाता है, आयतन बढ़ने लगता है, तो उसको जो चेंज करता है उसे डायरेक्ट्रोमीटर कहते हैं। उसके बाद डायनेमोमीटर, डायनेमो वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? जनरेटर, ये जनरेटर को ही, मतलब जनरेटर किसको प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक तरह से मेजरमेंट करता है, ऐसा मीटर होता है डायनेमोमीटर। अगले वर्ड है नेक्स्ट ई से। ई का मतलब इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर किसका उल्टा है? सर मोटर में पहले जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में स्विच दबाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें बदल जाएगी? मैकेनिकल, मशीन में बदलती नहीं बनती, ये उल्टा होता बच्चे इसका, क्लियर है, याद रखना। जो जो मैकेनिकल को, जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल देता है वो जनरेटर होता है, जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदल दे उसका नाम मोटर होता है, क्लियर है। ऐसे ही जो एसी को डीसी में बदल दे उसका नाम है रेक्टिफायर, और जो डीसी को एसी में बदल दे उसका नाम है
इन्वर्टर, ये वो क्वेश्चन है बच्चे जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है जी। बाकी कन्वर्जन बहुत अच्छे से बताऊंगा जब मैं 11th का पार्ट कराऊंगा, बहुत डीप से आपको। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप, स्कोप वर्ड आ गया ना, ओहो सर आपने बताया तो था, स्कोप का मतलब क्या होता है, देखना। ये इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज पार्टिकल को आवेश को देखने के काम आता है उसे हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। एंडोस्कोप मोस्ट इंपोर्टेंट, एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, आपने सुना था ऑप्टिकल फाइबर, जिसे हम हिंदी में प्रकाशिक तंतु कहते हैं, जो TIR पे काम करता है, याद रखना मेरी ऑप्टिक्स में बताऊंगा ये चीजें। TIR पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल दो तरह से किया जाता है, एक एंडोस्कोपी में और एक कम्युनिकेशन में, संचार में। एंडोस्कोपी में कैसे, ऑप्टिकल फाइबर ऐसे होती है बच्चे, हेयर नोमा स्ट्रक्चर ऐसे देखो, एक हेयर की तरह, ये बिल्कुल एक एक लड़की का जैसे बाल लेंगे ना, एक उस तरह की स्ट्रक्चर होती है, और ऐसे होती है जब यहां से लाइट अंदर से डालते हैं तो लाइट ऐसे 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 करके लाइट यहां से एक फॉर्म से दूसरी दूसरी जगह पहुंच जाती है। एंडोस्कोपी क्या करते हैं डॉक्टर, पहले पता है ऑपरेशन करते थे, ओह सॉरी जी भाई मिस्टेक यहां पिन था, कट कर दिया, अरे सॉरी सॉरी वो यहां था। अब क्या एंडोस्कोपी में क्या, अंदर ट्यूब को डालते हैं, ट्यूब को डाल के आराम से यहां से लाइट दी जाती है, लाइट अंदर ही अंदर अंदर रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करती है। सर जी एक क्वेश्चन पूछा था अभी रिसेंटली NDA में, और इससे पहले 17 नवंबर के क्वेश्चन असिस्टेंट कमांडेंट CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में वो क्वेश्चन पूछा था, वो भी एंडोस्कोपी पे था। क्लियर है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद इकराम सर ये क्या होता बच्चे, इसके अंदर बात करें तो ये रिमूविंग ट्यूमर जो हाइलाइटिक मतलब किसी चीज में इलेक्ट्रिक लूप में जो रिलेटेड होते हैं उनसे ट्यूमर्स को रिमूव करता है। अगला आता है ECG, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको पता है ECG क्या करता है, ये हर्ट जो होता है, दिल की बात करें ये हर्ट की इंपल्स को बताता है। सर जी तो कार्डियोग्राफ क्या करता है, अरे सर जी ये मूवमेंट को बताता है बच्चे, ये हर्ट के मूवमेंट को बताता है, जबकि ये हर्ट की इंपल्स को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, जब कहते हैं ना ECG करा लो, ठीक है जी। अगला है EEG इलेक्ट्रो ग्राफ के अंदर, अच्छा ग्राफ वर्ड कभी कहीं आ जाए तो उसका मतलब चेंज होता है ना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जानते हो, विद्युत विभव को, ये विद्युत विभव को स्टोर करता है, चेंजिंग करता है। उसके बाद ये कहता है इलेक्ट्रो फोबस, ये क्या करता है बच्चे, इसमें भी ये भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड पार्ट है, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एपिडाइस्कोप क्या करता है, ये किसी फिल्म मतलब कोई फिल्म बनाना, आकृति जो होती है पिक्चर को, उसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद एसिलेटर तो आप जानते होंगे, याद जान करते ना, किसी पैसेंजर को ऊपर अप एंड डाउन जो ले जाने का काम करता है उसे हम एसिलेटर कहते हैं। एडियोमीटर क्या होता है बच्चे, एक होता ए ऑडियो, वो तो ध्वनि से रिलेटेड था, लेकिन ये है एडियोमीटर, ये क्या करता है, ये चेंज करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के आयतन में, वॉल्यूम में, किसी भी केमिकल रिएक्शन के वॉल्यूम में जो चेंज करता है वो एडियोमीटर होता है, याद रखना इस वर्ड को, ई वर्ड है यहां। अगला है एफ का फैदोमीटर, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, फैदो वर्ड होता बच्चे गहराई से, फैदोमीटर जो समुद्र के अंदर गहराई, नदी के अंदर गहराई को मीजरमेंट करता है उससे हम फैदोमीटर कहते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर आप जानते हो, आग बुझाने वाला, आग बुझाने वाले में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, लेकिन जैसे ही वो एयर हवा के कॉन्टेक्ट में आता है वो CO2 बना देता है, तभी वो आग बुझाने में काम आता है। क्लियर है, अंदर भरा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन जैसे ही हवा के कॉन्टेक्ट में आता है CO2 बना देता है और आग लगनी बंद हो जाती है। फ्लाइट रिकॉर्डर, फ्लाइट रिकॉर्डर क्या बच्चे, याद रखो इस फ्लाइट रिकॉर्डर का दूसरा नाम है ब्लैक बॉक्स, इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। जब भी कहीं कोई एक्सीडेंटल केस होता है ना, कि कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया विमान, तो उसमें सबसे पहले उसके फ्लाइट रिकॉर्डर या फिर ब्लैक बॉक्स को देखा जाता है, और ये ब्लैक बॉक्स ब्लैक नहीं होता, ये नारंगी होता है, कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी होता है। ऐसा क्यों होता है ये तो मैं तुम्हें ऑप्टिक्स में बताऊंगा, और मैंने बता भी रखा अपनी वीडियोस में,
क्लियर है, वहां आके बताऊंगा। ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है, जब भी कभी कोई प्लेन ग्रस्त हो जाता ना, आप मीडिया में देखोगे अरे उसके ब्लैक बॉक्स की तलाश है। अगर तुम्हें ब्लैक बॉक्स मिल गया, कोई भी मरवा वहां पड़ा हुआ है उस प्लेन का, और वहां ब्लैक बॉक्स तुम्हें मिल गया, टीम वहां सबसे पहले ब्लैक बॉक्स देखती है, ब्लैक बॉक्स मिल गया तो उससे यह पता लग जाता है कि इस दुर्घटना का कारण क्या था। इसीलिए ब्लैक बॉक्स जो होता है वो ब्लैक नहीं होता, वो ऑरेंज होता है, क्योंकि वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है, कम प्रकीर्णन होता है उसका, लेकिन ब्लैक नहीं, वो ऑरेंज कलर का होता है, जो ये बता देता है कि दुर्घटना का कारण क्या था। तो टीम सबसे पहले किसे देखती है, ब्लैक बॉक्स को, जिसका दूसरा नाम क्या है, फ्लाइट रिकॉर्डर, नीचे बोलते हैं सब चीज रिकॉर्डिंग होती है इसमें, किस वजह से कोई दुर्घटना क्यों हुई है। नेक्स्ट वर्ड है जी, गैल्वेनोमीटर। ओहो, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कि करंट की डायरेक्शन किधर है, उसे क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। क्लियर है। ग्रामोफोन, फोन वर्ड आ गया ना, फोन वर्ड आ गया। ग्रामोफोन क्या करता है, ये रिकॉर्डिंग के काम आता है, ध्वनि को रिकॉर्ड जो करता है, साउंड को जो रिकॉर्ड करता है वो ग्रामोफोन होता है। उसके बाद कहता है गायरोस्कोप, ये रोटेशनल जो होती है ना घूर्णन गति, उसको जो रिप्रेजेंट करता है, उसको जो मेजरमेंट करने का काम आता है, उसे गायरोस्कोप कहते हैं। अच्छा, आर्कियोलॉजी तो आप जानते होंगे, पुरातत्व विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान जो होता है, बहुत पुरानी जो विज्ञान होती है उसको बारे में आर्कियोलॉजिस्ट आप जानते होंगे, आर्कियोलॉजिस्ट, और आर्कियोलॉजी एक ब्रांच होती है उसकी। उसके बाद ग्रेवीमीटर, आप कहते हो ना अरे ऐसे करो सब्जी ऐसे रखना भाई, ग्रेवी ज्यादा रखना। ग्रेवी मतलब क्या, कि आप वाटर में से ऑयल को कैसे फिल्टर करते हो, ऐसा एक मीटर जो ऑयल को कैसे फिल्टर करता है, ऑयल की मात्रा बता देता है कि पानी में, उसे ग्रेवी मीटर कहते हैं। गॉस मीटर, अच्छा गॉस सुना है, बाबा गॉस, जिसने मैग्नेटिज्म में दिया था, इलेक्ट्रिज में कॉन्सेप्ट दिया, जो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय प्रभाव चुंबकत्व में रिलेटेड चुंबकीय क्षेत्र में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम गॉस मीटर के नाम से जानते हैं। उसके बाद गोनीमीटर, गोनीमीटर क्या करता है, ये किसी भी क्रिस्टल, कोई क्रिस्टल अगर बना हुआ, अलग अलग शेप के क्रिस्टल होते हैं, उस क्रिस्टल में उनके थीटा निकालने का काम आता है, किसी भी क्रिस्टल के कितने कोण होंगे, थीटा कैसे कैसे नापने के काम जो आता है, उसे गोनीमीटर के नाम से जानते हैं। अगला है एच, एच में बच्चे एक वर्ड आता है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी। कभी भी कहीं वर्ड आ जाए हाइड्रो, उसका मतलब पानी। पायरो वर्ड कहीं आ जाए तो इसका मतलब है आग। क्लियर है। स्कोप वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या है, देखना। हाइड्रोमीटर जो पानी को मेजरमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोफोन्स, फोन वर्ड आ गया ना, जो पानी के अंदर की ध्वनियों को सुनने का काम आता है, उसे हाइड्रोफोन्स बोलते हैं। उसके बाद हाइग्रोमीटर, हाइग्रो वर्ड आया, हाइग्रो वर्ड होता है एटमोस्फेयर से रिलेटेड, वायुमंडल में कितनी ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता कितनी है, कहते हैं ना आर्द्रता कितनी है, नमी कितनी है, उसको जो मेजरमेंट करता है वो हाइग्रोमीटर होता है। लेकिन हाइग्रोस्कोप क्या होगा, उसी आर्द्रता में कितना चेंज है, स्कोप का मतलब चेंज, देखना। क्लियर है। अगला बच्चे हाइड्रोस्कोप, हाइड्रोस्कोप मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, अच्छा देखो दोनों वर्ड है, हाइड्रोफोन हाइड्रोमीटर, ऐसे हाइड्रो से क्या बन गया, हाइड्रोस्कोप, पानी में कितना परिवर्तन आता है, पानी की सतह पर आप देख रहे हो, उसे जो देखने के काम आता है वो हाइड्रोस्कोप है। हाइग्रोस्कोप क्या है, कि एटमॉस्फेयर में कितना चेंज है उसको देखने के काम आता है। क्लियर है। हाइड्रो पानी होता है। क्लियर है। वर्ड्स को अच्छे से समझना बच्चे, ठीक है जी। अगला वर्ड है आई, आई क्या होता है, इन्वर्टर, क्या होता है, इन्वर्टर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो डीसी को एसी में बदलता है उसे क्या कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं, तो तुम्हें पता है इन्वर्टर क्या है। अगला बच्चे इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर क्या करता है, ये लाइट जो होती है प्रकाश की लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ को निकालने के काम आता है। क्लियर है। बहुत अच्छा पॉइंट पूछ सकता है इसे। अगला वर्ड है लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता नापने के लिए, कि भाई दूध कितना शुद्ध है, जाते हो डेयरी का, डेयरी पे अगर दूध लेके जाते हो तो उस टाइम क्या करता है वो तुम्हारे ब्लड, वो सॉरी जैसे ब्लड सैंपल लिए जाते हैं लैब में, ऐसे वो दूध के सैंपल लेता है, तो दूध के सैंपल लेके ऐसे चक्री से ऐसे घुमाता है, तो वो लैक्टोमीटर होता है, दूध की शुद्धता बताता है। क्लियर है। लाउड स्पीकर, सर्जित ध्वनि को तेज करना, मैं यहां माइक लगा लूं तो बताओ लाउड स्पीकर करेगा नहीं करेगा, ध्वनि जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, तीव्रता बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, तो वो लाउड स्पीकर होता है।
अगला वर्ड है बच्चे लाइटनिंग कंडक्टर, ये तड़ित चालक होता है जो बिजली चमकती जानते हैं नॉर्मली। मैक मीटर, मैक मीटर मैक नंबर, ये क्वेश्चन पूछ सकता था अभी रिसेंटली जो नेवी था, नेवी में था, इससे पहले एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है मैक नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैक नंबर क्या होता है बच्चे, जो कभी भी हम सब बात करते हैं साउंड जो होती है वो साउंड की स्पीड रेशो होता है, साउंड स्पीड का रेशो और वायुयान की स्पीड का रेशो, मैंने पीछे भी बता रखा है लास्ट वाली वीडियो में, क्लियर है यूनिट वाले में। उसके बाद मैग्नेटोमीटर क्या होता है बच्चे, मैग्नेटिक का मतलब होता है विद्युत चुंबक के, मतलब चुंबकीय के बारे में जो बताता है, मेजरमेंट करता है, उसे मैग्नेटोमीटर कहते हैं। उसके बाद है मोनोमीटर, मोनोमीटर क्या करता है, ये किसी भी प्रेशर को निकालता है, गैस के अंदर जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ गैस दाब निकालने के काम आता है, उसे मैनोमीटर कहते हैं। माइक्रोमीटर छोटी वस्तुओं को देखने का काम, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जानते हो, इन्फॉर्मेशन देते हैं पुलिस वाले, डेल्टा चार्ली चार्ली एयरफोन डाउट मैसेज पास ओवर, इन्हें हम माइक्रोफोन कहते हैं। और माइक्रोफोन साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, माइक्रोफोन कहे जाते हैं, क्लियर है। उसके बाद माइक्रोटोम, माइक्रोटोम क्या होता है, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना बच्चे, उनको और टुकड़ों में तोड़ने के लिए एक ऐसा डिवाइस होता है माइक्रोटोम। उसके बाद है मेगाफोन, मेगाफोन क्या करता है, साउंड को लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए, साउंड को और ज्यादा डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए मेगाफोन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला नेक्स्ट है मेरियंस कंपास, साइंटिस्ट का नाम है, कंपास तुम जानते हो ऐसे होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, साइंटिस्ट का नाम, क्लियर है। अब जो एन से और जेड तक जितने भी मीटर हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बने रहिए नॉस्ट्रम स्टडी पॉइंट। और बच्चे याद रखना, आप जितना मुझे सहयोग देंगे बच्चे, जितना हो सकता है इसे मैक्सिमम लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, वो बताने की जरूरत भी नहीं आपको, बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं आप, और अच्छे से जिस और सहयोग दीजिए जिससे मैं और मोटिवेट हूं। और 15 से 20 तारीख तक जितना हो सकता है लगातार डेली वीडियो डालूंगा, 11th वाला पार्ट, लेकिन सहयोग आपको देना होगा, क्लियर है। नॉस्ट्रम स्टडी पॉइंट जिसका मतलब भी रामबाण है, यहाँ बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा, आप कोशिश ये करें, ये ना देखें कि भाई कितना धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा हर चीज का, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाए। आपने मिशन को बनाए रखिए, मिशन पे ध्यान दीजिए, एयरफोर्स का एग्जाम होगा 100%, और आपको बस टाइम मिला, उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, बस बने रहिए नॉस्ट्रम स्टडी पॉइंट। जय हिंद।